नमस्कार मित्रों, मैं राकेश आपका फिर एस्ट्रोलॉजी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और आज ये मेरी पहली क्लास है और मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, बल्कि थोड़ा नर्वसनेस भी हो रही है कि मैं आप सब लोगों को कुछ चीज़ बता रहा हूं। लेकिन मैंने यही सोचा है कि जो कुछ भी मैंने सीखा है अपने गुरुओं से या पढ़ के, किताबें पढ़ के, वो सब चीज़ मैं आपको पूरा बता सकूँ। मेरा इसमें कोई भी ऐसा वो नहीं है कि मैं कोई चीज़ आपसे छुपाना चाहूँगा या नहीं बताऊँगा। जो जो मुझको आता है मैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊँगा इसके अंदर। तो लेकिन सबसे पहले, स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग सॉफ्टवेयर से तो कुंडली वगैरह बनाते ही हैं, उससे पहले आप मैनुअल कुंडली बनाना भी सीखें। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको कुछ टर्मिनोलॉजी मालूम होनी चाहिए जो एस्ट्रोनॉमी के अंदर इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी दोनों साथ साथ चलते हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे के अंग हैं। तो एस्ट्रोनॉमी भी आना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी वोकेबुलरीज हैं जो हमेशा इस्तेमाल होती हैं जब भी हम कुंडली बनाने की बात करते हैं। जैसे बात करते हैं कि हमारा ब्रह्मांड क्या है, या किसी शहर में, किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो उस शहर का लॉन्गिट्यूड क्या है, उस शहर का लैटिट्यूड क्या है, उस शहर का लोकल मीन टाइम क्या है, या उस जगह का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, इस तरीके से, या एक्लिप्टिक क्या है, या हमारे चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण क्या होते हैं। तो ये सब चीज़ों का थोड़ा सा आइडिया हम लोगों को होना बहुत ज़रूरी है अगर हम एस्ट्रोलॉजी को प्रॉपर तरीके से सीखना चाहते हैं और बढ़िया तरीके से इसको कैप्चर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहूँगा सोलर सिस्टम का। वैसे तो हम लोगों ने, सब लोगों ने पढ़ा ही है स्टार्टिंग में, बट फिर भी जस्ट ए फ्रेश, कि सोलर सिस्टम में हमारा ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर हमारे ग्रह हैं, बुध है, शुक्र है, अर्थ है, मार्स, मंगल, जुपिटर, बृहस्पति, सैटर्न, शनि, ये सारे ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। हर ग्रह का अपना एक पर्टिकुलर टाइम है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का, और जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य का एक चक्कर 365 दिन के अंदर लगाती है, 365 डेज के अंदर। इसी प्रकार सब सारे ग्रहों के अपने अपने टाइम हैं। जो ग्रह जितनी जितनी दूर हैं उनको उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है एक चक्कर लगाने में, जो ग्रह नज़दीक हैं उनको उतना ही कम टाइम लगता है। तो ये हमारा पूरा ब्रह्मांड है जो बेसिकली से बना हुआ है, जिसको हम मिल्की वे बोलते हैं। तो ये हमारा ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में ये सारे ग्रह इस तरीके से बने हुए हैं। आप इसमें देख पा रहे होंगे कि सूर्य के बीच में और अर्थ के बीच में दो ग्रह हैं, ये दोनों ग्रह कहलाते हैं इनर प्लैनेट्स। और अर्थ के बाद में है तीन प्लैनेट, मंगल, जुपिटर, सैटर्न, ये तीनों प्लैनेट कहलाते हैं एक्सटर्नल प्लैनेट्स। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे पृथ्वी हमारी सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन का समय लेती है, तो जो पृथ्वी से पहले ग्रह पड़ रहे हैं सूर्य के पास, वो 365 दिन से कम का समय लेंगे एक चक्कर लगाने में। यानी बुध पे और शुक्र पे, ग्रह पे जो एक साल है वो कम दिनों का होगा, 365 से कम दिनों का होगा। इसी प्रकार जो मरकरी, जो मंगल, जुपिटर और सैटर्न पे जो एक साल है वो 365 दिनों से कहीं ज़्यादा होगा। तो ये डिपेंड करता है। तो इस तरीके से हमारा ये ब्रह्मांड सिस्टम है बना हुआ। उसके बाद आपको थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे जो हमारी पृथ्वी है। अगर आप देखें, ये पृथ्वी को हमने यहाँ बनाया हुआ है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन है ये एक, मैं आपको बता देता हूँ कि ये नॉर्थ और साउथ इस तरह से बनाई है, ये एक इमेजिनरी लाइन है। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ये जो बीच में एंगल है। अगर हम इस गोले को लेते हैं, पृथ्वी को, इस गोले का सेंटर में एक लाइन लेके जाते हैं, तो इससे उस पृथ्वी का जो एक्सिस है, जैसे ये गोला है, इसे गोले के सेंटर में ये लाइन है, तो पृथ्वी इस तरीके से झुकी हुई है अपने एक्सिस पे। तो ये जो एन एस दिखाई दे रहा है आपको, ये बेसिकली पृथ्वी का एक्सिस है, और पृथ्वी अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो ये पृथ्वी का हमारा सिस्टम है। पृथ्वी अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुकी होती है और हमेशा वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा जो कि बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने मित्रों अनुभव किया होगा कि जब भी कभी हम लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं और ट्रेन बहुत तेज़ी से निकलती है, तो हमें लगता है जैसे कि सारे पेड़, सारे जो पौधे रास्ते में हैं वो पीछे जा रहे हैं। अल्टीमेटली वो बेसिकली वो पीछे नहीं जा रहे हैं, बेसिकली तो वो वहीं के वहीं हैं, लेकिन चूंकि हम लोग बड़ी स्पीड से आगे निकल रहे हैं तो हमको लगता है कि ये सब चीज़ें पीछे जा रही हैं।
तो इसी प्रकार से क्या होता है कि पृथ्वी पे जब हम लोग खड़े होते हैं, तो पृथ्वी पे खड़े होकर जब हम सूर्य को देखते हैं तो हमें लगता है कि घूम हम रहे हैं, पृथ्वी घूम रही है हमारी, लेकिन हमको महसूस ये होता है क्योंकि हम पृथ्वी को घूमते हुए नहीं देख पा रहे हैं, तो हमें ये लगता है कि सूर्य घूम रहा है, क्योंकि अभी हम कहीं हैं, अभी कहीं दिन हो रही है, कभी कहीं पर रात हो रही है। जैसे यहाँ पर अभी रात है तो हो सकता है कि इंग्लैंड में अभी ये दिन ही हो रहा हो, शाम हो रही हो, तो उसका रीज़न यही होता है कि पृथ्वी हमारी घूम रही है, बट हमें लगता है कि नहीं सूर्य हमारा घूम गया, सूर्य हमारा पूर्व में पैदा हुआ पश्चिम में डूब गया, जबकि सूर्य तो वही का वही है, सूर्य कहीं नहीं गया। तो पृथ्वी के घूमने से ऐसा लगता है, और इसी के लिए हम कहते हैं कि चूंकि हम लोग पृथ्वी के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, जब पृथ्वी पर खड़े हुए हैं तो लगता हमें यह है कि सूर्य घूम रहा है और पृथ्वी स्टेशनरी है। तो ज्योतिष के अंदर भी यही माना गया है कि पृथ्वी स्टेशनरी है, सूर्य घूम रहा है, यानी पृथ्वी की जगह घूमने वाला सूर्य को माना गया है, पृथ्वी को माना गया है कि केंद्र है, सूर्य वही खड़ा हुआ है। तो क्योंकि जो मनुष्य है वो पृथ्वी से खड़े होकर सारी चीजों को देख रहा है, वो दृष्टा कहलाता है, तो इसीलिए ये माना जाता है कि सूर्य घूम रहा है और पृथ्वी वहीं पर है, इसलिए सूर्य के ग्रह का नाम दिया जाता है। तो अब हमारे इसमें ये सोलर सिस्टम के बारे में बात हुई थी, अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने ये आपको पृथ्वी के बारे में बताया, अब ये पृथ्वी जैसे यहां दिखाया मैंने आपको, अब इस पृथ्वी को अगर हम दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, इस गोले को ये दो हिस्से में डिवाइड कर दिया हमने, गोला ये काट दिया, तो जब दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे इसको, तो जो ऊपर का हिस्सा है एक नीचे का हिस्सा, आप देख रहे होंगे ये डायरेक्शन है नॉर्थ, ये है साउथ, ये डायरेक्शन है ईस्ट और ये है वेस्ट। तो जो ऊपर का हिस्सा होता है इसका, यानी ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो कहलाता है सदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि साउथ साइड में आ रहा है वो, तो नीचे का हिस्सा सदर्न हेमिस्फीयर, ऊपर का हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसको हम बोलते हैं इक्वेटर हिंदी में, जिसको विषुवत रेखा भी बोला जाता है। तो इक्वेटर बेसिकली क्या है, इक्वेटर ऐसी चीज है जो पृथ्वी को दो टुकड़ों में बांटती है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एक सदर्न हेमिस्फीयर में, तो ये हमारा इक्वेटर हुआ। उसी प्रकार से ये तो पृथ्वी को काट रहा है हॉरिजेंटली, अगर आप देखें तो ये जो लाइन है इक्वेटर जो इसको बोल रहे हैं डब्ल्यू जिस पे लिखा हुआ है, ये बेसिकली पृथ्वी को हॉरिजेंटली काट रही है, और अगर ऐसी ही एक लाइन सीधी यानी पृथ्वी को वर्टिकली काटे तो उसको बोलते हैं मेरिडियन, तो ये चीज कहलाती है मेरिडियन, ये कहलाता है मेरिडियन। तो मेरिडियन जो है पृथ्वी को काट रहा है, पृथ्वी के वर्टिकली हिस्से कर रहा है, तो जो गोला है हमारा पूरा बना हुआ, तो उस गोले के अगर हम वर्टिकली दो पीस करेंगे, ऊपर का हाफ कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे का आधा हिस्सा कहलाता है साउदर्न हेमिस्फीयर, अगर हम पृथ्वी को बीच में से ऐसे काटेंगे खड़े करके वर्टिकली काटेंगे, तो इधर ये जो लाइन्स हैं जो पृथ्वी को इस तरह से काट रही हैं सीधी, ये मेरिडियन कहलाती हैं और ये इक्वेटर कहलाता है। अब इसमें क्या है कि आप इसको इस तरह समझिए कि आपका यहां जो मैंने कटिंग दिखाई है आपको पृथ्वी की, ये कटिंग इसको मैं यहां दिखाने जाता हूं उस फिगर के अंदर, तो इस फिगर में हमने क्या कर दिया है कि एक तो ये देखिए बीच में ये डब्ल्यू ई जो लिखा हुआ है, ये वही लाइन है जो इक्वेटर कहला रही है, इसको विषुवत रेखा बोल रहे हैं, जो पृथ्वी को दो हिस्सों में काट रही है। उसके अलावा ये नॉर्थ और साउथ जहां पर लिखा हुआ है, ये सिंगल लाइन है जहां पे ये जीरो लिखा हुआ है, ये जो वर्टिकल लाइन है जो वर्टिकली काट रही है पृथ्वी को, ये आपका मेरिडियन है। अब इसमें इक्वेटर के पैरेलल में, जैसे ये इक्वेटर है, इसके पैरेलल में जो भी लाइन हमने डाली हुई है, ये वाली, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये कहलाती हैं लैटिट्यूड्स, इनको लैटिट्यूड्स बोलते हैं, और लैटिट्यूड को हमेशा नॉर्थ में या साउथ में दिखाया जाता है। जैसे अगर हम कहते हैं 25 डिग्री नॉर्थ या 25 डिग्री साउथ, तो वो लैटिट्यूड होता है। जैसे अगर हम यहाँ मान लें कि ये यहाँ पर 30 डिग्री कर लेते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे 60 डिग्री कर लेते हैं, यहाँ पे 80 डिग्री कर लेते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री कर लेते हैं, मान लेते हैं इसको। तो अगर कोई कहता है कि साहब हमको लैटिट्यूड कोई फिगर देता है कि 30 डिग्री नॉर्थ है, तो 30 डिग्री नॉर्थ का मतलब ये हुआ कि हमारा यहाँ से लैटिट्यूड हमारा मतलब यहाँ से यहाँ, यानी ये पॉइंट है जो हमारा 30 डिग्री नॉर्थ है।
इधर वाला पॉइंट है तो उसका ऊपर वाला पॉइंट हुआ। सिमिलरली ये हमने नीचे लाइन खींची हुई है, ये सारी लाइन जो है जैसे वर्टिकली लाइन साथ खींची थी जिनको हम मेरिडियन बोल रहे थे, ये मेरिडियन जो है ये आपकी जो लाइन्स हैं ये आप इसमें भी आप ऐसे ही बना के देख सकते हैं, सारा इसको बना सकते हैं इधर भी 0 से 30, 60, 90 डिग्री ऐसे करके इसको बना सकते हैं पूरा इसके अंदर। तो ये लाइन आ रही है इनको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। लॉन्गिट्यूड को हमेशा ईस्ट और वेस्ट में दिखाया जाता है, यानी कि कहीं बोलेंगे 40 डिग्री कहीं पर लिखा है 40 डिग्री ईस्ट, इसका मतलब होता है लॉन्गिट्यूड। अगर कहीं पर लिखा है 40 डिग्री नॉर्थ इसका मतलब होता है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मीन्स ये वाली लाइन जो हॉरिजॉन्टल है और लॉन्गिट्यूड मीन्स जो लाइन वर्टिकल है, ये वर्टिकल लाइंस ये लॉन्गिट्यूड कहलाती है। तो इस तरीके से पृथ्वी के ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बनाए गए। अब ये क्यों बनाए गए हैं, क्या चीज़ें हैं ये मित्रों, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि पृथ्वी पे कोई ऐसी लाइन पड़ी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी इमेजरी लाइन है, काल्पनिक लाइन है। इनको इसलिए बनाया जाता है, जैसे आप देखते हैं घरों में कि आपको कहीं जाना होता है, सपोज आप अपने घर में कहीं दिल्ली में रहते हैं कहीं है, वहाँ से आपको क्लांट प्लेस जाना है, तो क्लांट प्लेस जाने के लिए या कहीं रजौरी गार्डन आपको जाना है तो उसके जाने के लिए आप हमेशा गूगल मैप लगा लेते हैं। अब गूगल मैप में ऐसी क्या चीज़ है कि आप गूगल मैप लगा लेते हैं और गूगल मैप आपको वहीं पहुंचाता है जहां आपको जाना होता है। गूगल मैप के अंदर कुछ नंबर्स पड़े होते हैं, वो नंबर्स क्या होते हैं, वो सारे नंबर्स जो हैं लोकेशंस हैं वो सब नॉर्थ ईस्ट लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड इसमें डिफाइन होती हैं, यानी हर जगह का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड अलग अलग होता है। अगर हम देखें बात करें गाज़ियाबाद की तो गाज़ियाबाद में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डिफरेंट होगा, हम बात करें दिल्ली की तो वहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डिफरेंट होगा। तो इस तरीके से लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बहुत डिफरेंट होते चले जाते हैं हर लोकेशन के, और इसी के बेस पे गूगल मैप भी आपको बताता है कि आप कहाँ जा रहे हैं और कैसे आपको वहाँ पर पहुँचाता है उस जगह तक। तो इसलिए दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि हम सबको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का आइडिया हो। तो इसमें सिंपली ये बात है कि जो वर्टिकल लाइन है सीधी खड़ी हुई लाइन है ये सारी लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये लैटिट्यूड कहलाती हैं। अब इसमें एक चीज़ और है, जैसे मैं आपको बताना चाहूँ कि सपोज कीजिए कि ये पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी का पूरा ग्लोब है, या पृथ्वी है पूरा पृथ्वी है, स्फेरिकल टाइप की पृथ्वी है, स्फीयर है पूरा। इसमें आप जाना चाहते हैं यहाँ कहीं, मान लीजिए कि यहाँ पे आपका इधर सपोज कीजिए कि आपका इंग्लैंड है, आप इंग्लैंड जाना चाहते हैं। देखिए नीचे तो आप रास्ता लगा लेते हैं, जैसे हम लोग कहीं जा रहे हैं तो किसी को हम लोग रास्ता बताना होता है, नॉर्मली हम उससे कहते हैं भाई थोड़ा यहाँ से 1 किलोमीटर आगे जाइएगा, वहाँ से लेफ्ट लीजिएगा, वहाँ से फिर राइट ले लेना तो पहला चौराहा आएगा तो वहाँ आपका घर पड़ेगा, या गूगल मैप लगा लेते हैं। तो नीचे तो ड्राइव करते हुए कुछ सिंपल है, लेकिन जब आप एरोप्लेन में जा रहे हैं तो वहाँ तो पूरा खाली आकाश है, वहाँ आपको कैसे मालूम चले कि आपको लेफ्ट जाना है या आपको राइट जाना है, कहाँ जाना है? तो वहाँ आपको कोऑर्डिनेट्स देने पड़ते हैं, जैसे ग्राफ होता है, ग्राफ में कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स वाई एक्सिस होते हैं ग्राफ के अंदर। जैसे आपने ये देखा होगा कि ये एक्स और वाई एक्सिस होते हैं ग्राफ के अंदर, इसमें कोऑर्डिनेट्स होते हैं कि अगर हम यहाँ कहते हैं कि यहाँ पे जाना है हम लोगों को तो एक्स की कुछ वैल्यू होती है, वाई की कुछ वैल्यू होती है। इसी प्रकार से अगर हम कहते हैं कि पृथ्वी के यहाँ पर जाना है हम लोगों को, इस जगह पर जाना है, तो इस जगह के लिए कुछ लॉन्गिट्यूड होगा कुछ लैटिट्यूड होगा। तो जैसे देखिए कि ये जो हिस्सा है ये इतना हाइट है, तो ये जो हिस्सा है ये कहलाएगा लैटिट्यूड, यानी ये नॉर्थ हो जाएगा, और ये जो क्योंकि इसके साथ ये जो है यहाँ तक है, तो जहाँ दोनों दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो आपका कहना ये हुआ, ये तो हुआ 30 डिग्री नॉर्थ, और जहाँ ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं यानी ये भी 30 डिग्री अगर इसको मान लिया जाए तो ये हो गया 30 डिग्री ईस्ट, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये लोकेशन ऐसी है जिसकी वैल्यू है 30 डिग्री ईस्ट यानी 30 डिग्री ईस्ट साइड में, और 30 डिग्री नॉर्थ यानी 30 डिग्री नॉर्थ साइड में, ऊपर वाली साइड में। तो इसलिए इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का हमेशा, जब भी हम लोग सफ़र करते हैं, हवाई सफ़र करते हैं या कोई भी सफ़र करते हैं तो उसमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बड़े इस्तेमाल होते हैं। ये चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली है, इसलिए मैंने आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दोनों बताया। इसके अंदर ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जहाँ भी ईस्ट लिखा हो वहाँ लॉन्गिट्यूड, जहाँ नॉर्थ लिखा हो वहाँ पे लैटिट्यूड, इसी प्रकार जहाँ पे वेस्ट लिखा हो लॉन्गिट्यूड और जहाँ साउथ लिखा हो वो लैटिट्यूड होता है। वो आपको मैंने बता दिया कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो आपकी लैटिट्यूड कहलाती हैं, जो वर्टिकल लाइंस हैं वो आपकी लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं। अब इसमें
आगे मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा, राहु केतु, जैसे कि आपको यहां बाकी ग्रह तो हमने यहां दिखा दिए थे कि सूर्य के साथ आपके वो मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, जैसे वो ग्रह दिखाए थे, उसी प्रकार से दो ग्रह और होते हैं जिनको हम बोलते हैं राहु एंड केतु। ये ग्रह क्या है मित्रों? ये कॉपी बेसिकली, ये जो ग्रह है ये शैडो प्लैनेट्स होते हैं, कहीं इनका कोई आकाश में कोई पिंड नहीं बना हुआ है जहां कोई आकाश में ग्रह कोई तैर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिंपली एक शैडो प्लैनेट्स होते हैं। ये होता क्या है कि आपका जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, ये पृथ्वी घूम रही है सूर्य के चारों ओर, और अर्थ है आपकी, ये आपकी अर्थ है जो सूर्य के चारों ओर घूम रही है। इसी प्रकार से अर्थ के भी चारों ओर चंद्रमा घूम रहा है। आप सब जानते हैं कि हम लोग घूम रहे हैं सूर्य के चारों ओर पृथ्वी, और चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, तो चंद्रमा ने पृथ्वी के चक्कर लगा लिए। तो जहां पर ये दो पॉइंट हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये कहलाता है केतु और ये कहलाता है राहु। यानी जहां पृथ्वी का ऑर्बिट, अर्थ का ऑर्बिट, जो अर्थ का घूमने का ऑर्बिट है सूर्य के चारों ओर, और साथ में जो चंद्रमा का ऑर्बिट है जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, जहां वो दोनों ऑर्बिट आपस में एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं, जहां काटते हैं उसको, वहां पे केतु और राहु बनते हैं। तो ये केतु राहु का है। तो इस तरीके से हमारे वो ग्रह हुए, और चंद्रमा को भी हम लोग ग्रह ही मानते हैं। इसलिए जो हमारे, मैंने जैसे आपको बताया कि पृथ्वी को स्टेशनरी माना गया है, सूर्य को ग्रह माना गया है कि सूर्य घूम रहा है, तो हमारे जो ग्रह हो गए वो आपका सन हो गया, मून हो गया, मंगल, मार्स, मरकरी, बुध, जुपिटर, बृहस्पति, वीनस, शुक्र, सैटर्न, शनि, और इसके अलावा राहु एंड केतु, ये आपके प्लैनेट्स हो गए। नौ प्लैनेट्स आपके, नौ ग्रह आ गए जिनको हम नवग्रह भी बोलते हैं। तो उसमें राहु केतु को हमने लगा लिया, जो मैंने आपको बताया कि राहु केतु ये कैसे होते हैं। अब इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सब आपने नोट कर लिया हुआ मित्रों, ये बड़ी ध्यान रखने वाली बातें हैं, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि ये राहु केतु जो है कोई घूमने वाले सेलेस्टियल पिंड नहीं है, ये बेसिकली शेडो प्लैनेट्स है। और ये वही होता है कि जहां पे अर्थ का सूर्य के चारों ओर घूमने वाला ऑर्बिट और चंद्रमा का ऑर्बिट, जो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये मून है, इधर ये मून है, तो जहां दोनों एक दूसरे को काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वो दोनों पॉइंट्स केतु और राहु कहलाते हैं। अब इसके आगे मैं आपको बताना चाहूंगा एक्लिप्टिक के बारे में। एक्लिप्टिक, एक्लिप्टिक क्या होता है मित्रों? बेसिकली तो अगर हम देखा जाए हमारा, तो जैसे हमारा ये सूर्य है, सन है, इसके चारों ओर डिफरेंट डिफरेंट ग्रह घूम रहे हैं, और इसके चारों ओर हमारी पृथ्वी भी घूम रही है। तो इस तरह से घूमती है हमारी पृथ्वी, सर्कुलर नहीं घूमती, इस तरह से पृथ्वी हमारी घूमती है इसके अंदर, ये हमारी अर्थ है। तो ये जो घूमने का वो है तरीका है, ये बेसिकली हमारा कहलाता है, इसको हम बोलते हैं एक्लिप्टिक। यानी एक्लिप्टिक का मतलब ये हुआ कि इसको हम एक्लिप्टिक हमारा हुआ, जिसकी वजह से ये हमारा, ये वो एक्लिप्टिक बेसिकली वो मार्ग है जिसके, जिसमें सूर्य के चारों ओर अर्थ को, अर्थ घूमती है, तो वो एक्लिप्टिक होता है। अब इसमें ये कहने वाली बात ये हो जाती है कि एक्लिप्टिक अगर ये है, क्योंकि हम लोग तो ये मानते हैं कि हमारी पृथ्वी स्थिर है, सूर्य घूम रहा है, पृथ्वी स्थिर है हमारी, सूर्य घूम रहा है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो मार्ग है, ये यानी ये जो एक्लिप्टिक है, ये बेसिकली सूर्य एक्लिप्टिक है, सूर्य जो घूम रहा है इसके अंदर, क्योंकि हम पृथ्वी को स्टेशनरी मानते हैं। देखा जाए तो सूर्य यहाँ बीच में होता है, सूर्य स्टेशनरी है, पृथ्वी घूम रही है, बट पृथ्वी के ही इस पाथ को, जो पृथ्वी का ये पाथ दिखाया है जिसको एक्लिप्टिक बोलते हैं, उसी को मान लेते हैं कि सूर्य का एक्लिप्टिक है। तो ये होता है एक्लिप्टिक।
तो एक्लेप्टिक जो है ये आपको ध्यान रखना है, जब भी एक्लेप्टिक की बात चलेगी तो ये एक ऐसा पथ है जिसपे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा साइडरियल टाइम एंड ये दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सैडरियल टाइम, लोकल मीन टाइम LMT बोलते हैं इसको, एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, ये बताना चाहूंगा थोड़ा सा मैं आपको। इसमें ये आप ध्यान रखिए, देखिए मित्रों कि मैं जो भी आपको कोशिश करूंगा जितनी मैक्सिमम चीजें हैं मैं सारी आपको बता पाऊँ जो आपके इस्तेमाल में आने वाली हैं कुंडली मैनुअल बनाने के लिए, लेकिन मुझे भी आपका थोड़ा सा आपसे बस यही प्रार्थना है, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कृपया मुझको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कोई भी जो बेल आइकॉन दिया है उस पर करें ताकि मेरी कोई भी नेक्स्ट वीडियो आए तो उसे मिले। तो इससे क्या होगा कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं नई नई चीज़ अपना इसमें डाल सकूँगा और मेहनत करके और चीज़ आगे बना सकूँगा, और जितना मुझ पर है उतना मैं चाहूँगा कि मैं कम से कम इसमें सिखा दूँ। और बाकी जो चीज़ें हैं, कुछ कमेंट्स आप लोग करेंगे, कुछ बात करेंगे, तो उससे ये हो सकता है कुछ चीज़ें मैं भी आपसे सीखूँ। तो ये बिल्कुल इस तरह का ही समझिए कि ये है कि दोनों तरफ से ही नॉलेज शेयर हो रही है। तो जो मेरी नॉलेज है वो मैं शेयर करूँगा, जो आप लोगों की नॉलेज है काइंडली आप शेयर कीजिए और इसको बिल्कुल ओपन रखेंगे। तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।